चंद्रपूर बसस्थानक परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून गुंडगिरी वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी पादचाऱ्यांना मारहाण करून पैसे हिसकावून घेतल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. या होणाऱ्या घटनेकडे पोलिसांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. प्राप्त माहितीनुसार जटपुरा गेट येथील डॉमिनोज पिझ्झा शॉपवर काम करणारा दिलीप बिश्वास हा 28 जूनच्या रात्री कामावरून घरी परतत होता. ऑटो नसल्याने त्यांनी पायी बसस्थानक गाठले. दरम्यान 3 तरुण मोटरसायकलवरून आले आणि तेथून काही अंतरावर पडले. पडल्यानंतर या युवकांनी दिलीपला जबाबदार धरून मारहाण करून पैसे व मोबाईल हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. कसा तरी त्याच्यापासून सुटका करून घाबरलेल्या दिलीपने ऑटो पकडून घरी पोहोचला. या घडलेल्या प्रकरणाबाबत दिलीप बिश्वास यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध सुरू आहे. मेरा नाम दिलीप बिश्वास है. मैं डोमिनोज में जॉब करता हूँ. मैं कल रात में मेरा 10 बजे शिफ्ट खत्म हुआ. छुट्टी होने के बाद मैं ऑटो का राह देख रहा था जटपुरा गेट में. ऑटो नहीं मिला मेरे को. फिर ऑटो नहीं मिला तो मैं यहाँ से पैदल आ रहा था. इधर से पैदल आते आते मैं यहाँ पे आया बस स्टैंड के पास आके मेरे को एक ऑटो मिला. तो मैं उससे पूछा, भैया बंगाली कम जाएंगे क्या? तो उसने हाँ बोला. तो उसके गाड़ी में सीधा बैठ के थे तो बल्ला शाह का सीधा थे. तो बोले कि मेरा एक सीट अंदर बस के लिए पूछने के है, वो आने के बाद जाएंगे. तो इतने में 3 लड़के बस का दारू वारू पीते थे, वो आए जम के ऐसा गाड़ी लेके आए, मेरे साइड से कट मार के उधर सामने में जाके गिरे. गिरने के बाद वो उठ के आके मेरे ऊपर हमला कर दिए. मेरे को बस तो घूसे मारे, थप्पड़ मारे और मेरे पैसे वगैरह छीनने लगे. माँ की गाली, बहन की गाली देने लगे. मैं जान बचाने के लिए मैं आगे दौड़ा तो एक ऑटो वाला निकल रहा था. मैं वो ऑटो में बैठा, बोला भैया मेरे को थोड़ा छोड़ दो आगे में. वो बोला मैं बंगाली कम नहीं जा रहा. मैं बोला वो दारू पी के 3-4 पोटे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे को प्लीज़ थोड़ा छोड़ दो. तो वो बोला कौन है? रुको, बोले रुक कौन है? तो फिर वो उनके पास आए, वो ऑटो वाले को भी धमकाने लगा. बोले छोड़, बोले इसको हमको निकल दे तेरे गाड़ी से, इससे अपने को मतलब है, बोले तुम लोगों को मतलब. फिर मेरा कॉलर पकड़ के वो ऑटो से निकाले. फिर और मारे मेरे को, सब लोग जमा थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा. उसमें से एक लंगड़ा था, एक थोड़ा टुकड़ा मेरे हाइट का और एक लंबा था. तीनों मिलकर मेरे को यहाँ पे मारहाण की है. मेरे पैसे के 300-400 रुपया थे वो निकल लिए. मोबाइल खिचक रहे थे. मोबाइल से मैं 112 में कॉल करूँगा तो भी मोबाइल खिचक रहे थे. मैं फिर भाग के सामने में एक गाड़ी वाला मिला यहाँ से बस स्टैंड के. एक आदमी ने उसको बोला कि आगे छोड़ दे, ये लोग बहुत दारू वारू पीछे, इसको मार डालेंगा. बुद्धि वगैरह दिखाए मेरे को, मार रहे थे. ऐसा चाकू नहीं किया, उनके पास चाकू वगैरह हथियार थे. फिर वो आदमी ने मेरे को स्टेट बैंक तक छोड़ा. वहाँ से फिर मैं पैदल चले गया. और आज सुबह आके मैं, रात में मेरे को हिम्मत नहीं हुआ, मैं घबर गया था. एकदम घबरने सही का लग रहा था, हार्ट अटैक सही का लग रहा था. मैं सुबह आके कैसे भी हिम्मत जुटा के रामनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया. मेरा यही कहना है कि हम यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी हमारे साथ जब ऐसा घटना घटता है बस स्टैंड में, तो बाहर गांव के हजारों लाखों लोग यहाँ पे आते हैं रात देर रात बस में, नागपुर से, यवतमाल से, इधर से, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे? तो मेरे को इसका न्याय होना कि मेरे साथ में ऐसा किए ये लोगों ने, रात में पकड़ के मारापीट किए, इसका मेरे को न्याय होना, उनको सजा होना. बस मेरे को यही प्रशासन से विनंती है.